नमस्कार दोस्तों, आज हर एक के पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है एक टाइम यूज़ करते करते वो लैगिंग करने लगता है, स्लो हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको सिंपल सा बेसिक चीज़ है उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये नहीं बताने जा रहे हैं किस तरह से आप फिर से नया विंडो को इंस्टॉल कीजिएगा। हम लोग इसमें ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप फॉर्मेट करने का जो रिसोर्सेज है, मतलब आपका बूटेबल सीडी या बूटेबल पेन ड्राइव आप किस तरह से बनाइएगा। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाइएगा और उसको रख लीजिएगा, जब भी उसका ज़रूरत होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। तो फटाफट चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्यूटेबल करने के लिए आपको एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ही हमको ब्यूटेबल बनाना है। आजकल तो सीडी राइटर वगैरह जो रहता है वो कोई लेता नहीं है, बस यूएसबी से ही काम चल जाता है। तो हम लोग इसको ब्यूटेबल बनाएंगे, सिंपल सा फंडा है। ब्यूटेबल बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। विंडोज़ 10 के लिए आपको 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है, और एक IOC फाइल लगेगा। विंडोज़ 10 के लिए आपको एक पेन ड्राइव का ज़रूरत है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ISO फाइल का ज़रूरत है। ISO फाइल का मतलब ये हुआ कि जो आप इसका अंदर डालकर इसको बूटेबल बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 है, आपका विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 8.1 हो सकता है या XP हो सकता है, सबका आपका ISO फाइल रहता है। तो आपको एक ISO फाइल जुगाड़ कर लेना है और एक पेन ड्राइव 8 GB का आपको रख लेना है, और इस पेन ड्राइव में जो भी बैकअप है, जो भी आपका पिक्चर फोटोज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको पहले हटा दीजिए, निकाल के रख दीजिए, नहीं तो बूटेबल बनते वक्त ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टेप, छोटा सा स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाइएगा। वेल, यहाँ पे बूटेबल सॉफ्टवेयर है जिससे हम इसको बूट करेंगे और ये हमारा ISO फाइल है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल, और ये हमारा बूटेबल है। इसको पर राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। उसके बाद जब ये इंटरफेस खुलता है, इसमें देखिए जैसे ही आप पेन ड्राइव अपना सिस्टम में लगाइएगा तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब अपना पेन ड्राइव को चेक कर लीजिए, ये पेन ड्राइव का कौन सा ड्राइव में है। यहाँ पर ये आपको दिखा दे रहा है कि ड्राइव ऐप में है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पूरा पूरी कन्फर्म हो जाइए। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर पेन ड्राइव में आपका कोई डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आपका ज़रूरत के हिसाब से आप कहीं दूसरा जगह रख लीजिए, नहीं तो ये बूटेबल प्रोसेस में आपको पूरा के पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ISO फाइल सेलेक्ट करना है, तो ISO फाइल हमारा कहाँ रखा हुआ, हमारा डेस्कटॉप में रखा हुआ, तो चलिए हम लोग ISO फाइल को ले लेते हैं। ये दो चीज़ करने के बाद जस्ट अब नीचे जो सबसे इम्पॉर्टेंट GTP MBR, इसी में भूल होता है। आपको देखना है कि आपका सिस्टम कौन सा, मतलब पार्टीशन स्कीम उसका क्या है, पार्टीशन स्कीम जो है वो कौन सा है। तो इसके लिए आप डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जाइएगा। देखिए, आपको यहाँ पर सी ड्राइव में नॉर्मली आपका एक्टिव ड्राइव जो होता है उसी में रहता है, तो ये हमारा जो SSD है इसमें हमारा ये, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम में चेक कर लेते हैं GTP। देखिए, ये वाला पार्टीशन स्कीम हमारा है और आपको भी पार्टीशन स्टाइल जो है बूटेबल बनाते समय वही चूज़ करना है। अगर उल्टा सीधा चूज़ कर लीजिएगा और अपने सिस्टम में करिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही फिलहाल MBR कर लें, लेकिन आपका जो सिस्टम वो करिएगा, अगर आपका MBR है तो MBR करिएगा। अब बोला भैया हम पूरा डेटा को फॉर्मेट कर देंगे आपका पेन ड्राइव से, तो हम बोले चलो भैया कोई बात नहीं, कर दो, हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हमारा पेन ड्राइव में नहीं है। तो चलिए, ये बूटेबल प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ही हो सकता है 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो हम फिलहाल आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट हम इसको पॉज करके फिर से जब आगे बढ़ता है तो हम आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन हो ही चला है, 98.7%, 96.7% हो चुका है। बायोस में जाकर इसको रिमूवल ड्राइव को दिखा दीजिएगा और वहाँ से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेल,
तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया कि पेन ड्राइव को किस तरह से बूटेबल बनाया था बनाया जाओ। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, इसके बाद वाला अगर प्रोसेस देखना है कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा इसका इस्तेमाल करके, तो ये हमारा इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से आप बूटेबल बनाइएगा और किस तरह से आप इंस्टॉल कीजिएगा बायोस में जाकर। ये तकरीबन 20-25 मिनट का वीडियो है, आपको थोड़ा सा वक्त देकर देखना पड़ेगा। पेन ड्राइव तो बूटेबल बना लिए आप रख सकते हैं सेफली, लेकिन इसके बाद आपका जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो अगर बनाने जाते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो बस यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ठीक है। और यहाँ आइए, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाला दिन में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डाउनलोड माने आपको बताते हैं या दिखाते हैं वो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।